सो हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि आज है संडे और संडे के दिन आप सभी लोगों के द्वारा पूछे गए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जो महत्वपूर्ण होते हैं, उसका आंसर वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगा। तो वीडियो बने रहिए, देखिए आज वाला संडे का मंडे स्पेशल वीडियो काफी यूजफुल है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है, लगभग सभी क्वेश्चन जो है इसी महीने यानी अक्टूबर महीने के पोषाहार के रिलेटेड है। पैसा आएगा नहीं आएगा, दूध का पैकेट मिलेगा या नहीं मिलेगा। वीडियो काफी यूजफुल है, वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको लगे कि वीडियो यूजफुल है तो अन्य सभी को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी जानकारी मिल पाए। चले चलते हैं इस सप्ताह के पहले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, इस सप्ताह का पहला क्वेश्चन है, ममता प्रिंस नाम से आया हुआ है। काफी क्वेश्चन ये पूछते हैं। लिखा हुआ है कि सर, आप कल संडे वाले कमेंट्स में बताइएगा कि प्री प्राइमरी से जोड़ने के बाद आंगनबाड़ी सेविका का मानदेय 25,000 मिलेगा या कितना मिलेगा। देखिए, 25,000 की बात तो आप भूल ही जाइए, क्योंकि आंगनबाड़ी वर्कर्स का वर्तमान मानदेय जो 6,000 से भी कम है। हाँ, अगर उनको नजदीकी प्राइमरी स्कूल में गवर्नमेंट स्कूल से जोड़ा जाता है, मानदेय कुछ बढ़ सकता है, 10,000 के आसपास शायद जा सकता है, लेकिन 25,000 का सपना आप देखना छोड़ दीजिए, वो काफी बड़ा अमाउंट है वो। तो अगला जो क्वेश्चन है, राजीव कुमार जी पूछते हैं, सर मुझे वेट और लेंथ मापने वाला कोई मशीन अभी तक नहीं मिला है, शायद ये इनका नया बहाली हुआ होगा, क्या मुझे ग्रोथ मॉनिटरिंग करना चाहिए, प्लीज बताइए। देखिए, आईसीडीएस विभाग का रूल कुछ ऐसा है कि जो भी नियम लागू होता है सबके लिए लागू होता है, चाहे आपको स्मार्टफोन मिला हो या नहीं मिला हो। जो भी सामान मिलता है आंगनबाड़ी वर्कर्स को, चाहे वो तौलने का मशीन हो, खाना बनाने का जो भी बर्तन वगैरह हो, मिला हो या नहीं मिला हो, लेकिन काम सबके लिए करना होता है। तो जी हाँ, आपको काम कैसे भी मैनेज करके, जो भी इंची टेप है या फिर जो भी वेट मशीन है खरीद कर वगैरह करना होगा, ये समस्या आईसीडी विभाग में शुरू से ही है। सामान आपके पास हो या नहीं हो, आपको काम मैनेज करना होगा। तो अगला जो क्वेश्चन है वो एक्चुअली नीलम शर्मा जी के द्वारा पूछा गया है, लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, पिछले कुछ दिनों से यही है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, आपके पोषाहार से रिलेटेड है। लिखती है कि क्या भाई अक्टूबर माह में ओटीपी समाप्त हो जाएगा, संडे को जरूर बताइएगा, भोजपुर जिला से हूं। तो देखिए, जो भी आपको मालूम है कि 3-3 महीने करके इसका स्टेप चल रहा है, जैसे कि शुरुआत में अप्रैल मई जून तक के लिए ऑफिशियल लेटर जारी हुआ था, उसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर तक के लिए ऑफिशियल लेटर जारी हुआ, जिसमें बताया गया था कि इन 3 महीने में ओटीपी का सत्यापन करके पोषाहार का वितरण करना है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अभी तक ऐसी कोई भी सूचना नहीं है कि अक्टूबर महीने में जो है पोषाहार बंद होगा या फिर ओटीपी का सत्यापन नहीं होगा, ऐसी कोई भी सूचना नहीं है। मेरे मुताबिक आप सभी लोग निश्चिंत रहिए, अक्टूबर महीने में भी आपको पोषाहार का पैसा मिलेगा, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर फिर से 3 महीने के लिए जो है ओटीपी सत्यापन करते हुए पोषाहार वितरण करने का निर्देश ऑफिशियल लेटर कल परसों 2-3 दिन में जारी जरूर हो जाएगा। इसके लिए आपको निश्चिंत रहना, अक्टूबर का भी पोषाहार मिलेगा, और जो भी है नियम कानून लगभग वही रहेगा, ओटीपी सत्यापन करते हुए वितरण करना। हालांकि इसका ऑफिशियल लेटर जारी नहीं हुआ, लेकिन जल्द ही जारी हो सकता है। तो इस सप्ताह का सबसे अंतिम क्वेश्चन है, आदित्य अमेजिंग एंड गेमिंग नाम से आया हुआ है, लिखते हैं कि अक्टूबर में दूध मिलेगा क्या। तो बिल्कुल, अक्टूबर में दूध जरूर मिलेगा, जैसे पोषाहार का सिस्टम पिछले कई महीनों से चला आ रहा है लगभग वैसे ही चलेगा, और जैसे ही दूध के लिए जो भी ऑफिशियल लेटर जारी होगा आपको सूचना तो मिलती रहेगी। वीडियो को आप लोगों ने लाइक नहीं किया लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो ये था इस सप्ताह का संडे कमेंट स्पेशल वीडियो, जिसमें महत्वपूर्ण रूप से मैंने पोषाहार से रिलेटेड क्वेश्चन पिक किया था, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन अक्टूबर पोषाहार के रिलेटेड आ रहे थे। जैसे इसका ऑफिशियल लेटर जारी होगा आपको वीडियो जरूर मिल जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा, अगर आपको लगे वीडियो यूजफुल तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही अगर आपका कोई महत्वपूर्ण क्वेश्चन छूट गया हो तो इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहां से जाकर आप मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी नए यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।